हेलो दोस्तों, आप अगर इनो SBI मोबाइल ऐप को इस्तेमाल करके आ रहे हैं, काफ़ी टाइम आपको ऐसा होता है कि आपका ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है, आपका पैसा कट जाता है, लेकिन आपका जो काम कर रहे थे, जहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहे थे, वो होता नहीं है। स्पेशली कोई रिचार्ज वगैरह पेमेंट वगैरह कर रहे थे तो ऐसे हो ही जाते हैं। अगर आपको यूनो ऐप को इस्तेमाल करके एक कंप्लेन रेज करना है तो कैसे कर सकते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो में आखिरी तक। हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रणव और स्वागत है आपको डिजी वॉक लाइफ यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इसके लिए पहले हम यूनो ऐप में चला जाएंगे और आगे का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं हम अपना मोबाइल का स्क्रीन पे आ गया है और यूनो SBI ओपन कर लिया हूँ। यूनो SBI ओपन होने के बाद आप इस पेज के एकदम नीचे देख सकते हैं एक हेल्पलाइन का ऑप्शन, तो उसके ऊपर टैप कीजिए। जैसे हेल्पलाइन के ऊपर टैप करेंगे एक पॉपअप विंडो दिखाई देगा यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ इमरजेंसी कॉल नंबर है और आपको दो लिंक भी मिलेगा। क्लिक हियर पर रजिस्टर कंप्लेंट फॉर अनऑथराइज ट्रांजेक्शन। आपका अगर कोई अनऑथराइज ट्रांजेक्शन है उसके लिए कंप्लेंट रेज करने के लिए इस लिंक पे जाना होगा। क्लिक हियर टू रजिस्टर अदर कंप्लेंट्स। उसके अलावा कोई दूसरा कंप्लेंट्स होगा तो यहाँ पे टैप कर सकते हैं। हम उसके ऊपर टैप करेंगे दूसरा लिंक पे। जैसे दूसरा लिंक पे टैप करेंगे एक नया पेज आ जाएगा। यहाँ पे आपको कस्टमर रिक्वेस्ट एंड कंप्लेंट दिखाई दे रहा है, इसमें टाइप सिलेक्ट करना होगा। पहले हम टाइप्स के ऊपर क्लिक कर देते हैं। टाइप्स के ऊपर क्लिक करते ही हमारे को तीन यहाँ पे कंप्लेंट ऑप्शन है। यहाँ पर एक रेज रिक्वेस्ट, एक रेज कंप्लेंट एक्जिस्टिंग कस्टमर फाइनेंशियल कंप्लेंट, रेज कंप्लेंट अदर्स। तो हम चूंकि एक एग्जिस्टिंग SBI का कस्टमर है और फाइनेंशियल कंप्लेंट है हमारा, तो इसीलिए उसे सिलेक्ट कर लेंगे। और इसके बाद रेज रिक्वेस्ट कंप्लेंट दूसरा वाला सिलेक्ट करेंगे, तो दूसरा ऑप्शन में हमारे को दो ऑप्शन दिखाई देगा, एक डिजिटल पेमेंट ऑब्लिक फेल ट्रांजेक्शन, दूसरा अनऑथराइज ट्रांजेक्शन। तो हमारा जो ट्रांजेक्शन था फेल ट्रांजेक्शन था, तो इसलिए हम डिजिटल ऑब्लिक फेल ट्रांजेक्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम इसे सबमिट कर देंगे। सबमिट होने के बाद यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर डालने के लिए बोला जाएगा। आपका जो सेविंग बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे एंटर कीजिए। और ये जो इमेज यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है, इस बॉक्स के ऊपर डाल के सेंड OTP के ऊपर क्लिक कर दीजिए। सेंड OTP के ऊपर क्लिक करते ही आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है SBI के साथ और जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है SBI के साथ, उसमें एक OTP चला जाएगा। वो OTP यहाँ पे एंटर करना है और वैलिडेट OTP के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे वैलिडेट OTP के ऊपर क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे और कुछ ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैटेगरी ऑफ कंप्लेंट्स ऑब्लिक रिक्वेस्ट, उसमें सिलेक्ट कीजिए। उस पर सिलेक्ट करते देख सकते हैं बहुत सारा ऑप्शन है आपके पास आएगा। इनमें से कौन सा आपका रिलेटेड है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। मेरा यहाँ पे यूनो है, क्योंकि यूनो के माध्यम से मैं एक बिल पेमेंट कर रहा था, वो फेल हुआ था, तो इसलिए यूनो सिलेक्ट कर लेंगे। आपका अगर ATM रिलेटेड होगा, भीम आधार SBI, भीम SBI पे, ये सब जो भी होगा आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दूसरे में प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, तो उसे सिलेक्ट करेंगे। उसके ऊपर भी क्लिक करेंगे तो पांच ऑप्शन है यहाँ पे आपको दिखाई देगा। इनमें से हमारा है यूनो बिल पेमेंट्स। मैं बिल पेमेंट्स कर रहा था यूनो के माध्यम से, तो उसे सिलेक्ट करेंगे। और इसके बाद आपको कॉम्प्लेंट्स ऑब्लिक रिक्वेस्ट, आप इसके बाद नेचर ऑफ कॉम्प्लेंट्स ऑब्लिक रिक्वेस्ट, आपका किस टाइप का नेचर था कॉम्प्लेंट का, किस टाइप का ट्रांजेक्शन था, उसे सिलेक्ट करना होगा। जैसे उसके ऊपर टैप करेंगे तो बहुत सारा ऑप्शन है यहाँ पे दिखाई देगा। हमारा जो बिल पेमेंट था वो भारत बिल पेमेंट सिस्टम के माध्यम से था, तो इसीलिए रिगार्डिंग भारत बिल पेमेंट सिस्टम उसे सिलेक्ट करेंगे। उसे सिलेक्ट करते ही आपको 150 कैरेक्टर्स के बीच में थोड़ा सा ब्रीफली आपको उस चीज को लिख देना है, किस लिए आप कंप्लेन रेज कर रहे हैं। तो वहां पे आपका अगर रेफरेंस नंबर वगैरह है यहाँ पे डाल दीजिएगा, अगर नहीं है तो आप लिख दीजिएगा कब आपने ट्रांजेक्शन किया था, क्या हुआ था, कौन सा डेट में हुआ था, वो थोड़ा लिख दीजिएगा, फिर सबमिट कर दीजिएगा। जैसे सबमिट कर देंगे, थैंक यू फॉर गेटिंग इन टच विद SBI, योर रिक्वेस्ट विल बी फॉरवर्डेड टू द डिपार्टमेंट कंसर्न फॉर नेसेसरी एक्शन, यू विल हैव रेस्पॉन्स फ्रॉम देम शॉर्टली, ऑन सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन ऑफ योर कंप्लेंट रिक्वेस्ट यू विल रिसीव ए टिकट नंबर। आपका जो रिक्वेस्ट है फॉरवर्ड किया कर दिया गया है कंसर्न डिपार्टमेंट को, और आपको उन लोगों ने शॉर्टली रेस्पॉन्ड भी करेगा, और सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन के बाद आपका मोबाइल में एक टिकट नंबर आ जाएगा। तो आपका मोबाइल में एक मैसेज में टिकट नंबर भी आ जाते हैं और आपका कंप्लेंट भी हो जाते हैं, और ये कंप्लेंट
दो या तीन दिन में सॉल्व हो जाते हैं, आपका पैसा वापस आना है तो आ जाएगा या तो जो भी कार्रवाई होगा आगे की तरफ दिखाई देगा। दोस्तों इसी तरीके से आप अगर SBI इनो को इस्तेमाल करके कोई ट्रांजेक्शन किया है और उस पर कंप्लेन करना चाहते हैं तो आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए होंगे, कैसे आप यूनो ऐप को इस्तेमाल करके एक कंप्लेन रेज कर सकते हैं उसके बारे में पता चल गया होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ, तब तक दोस्तों इजाज़त दीजिए, नमस्कार।